राधे राधे। बुध का बहुत अच्छा उपाय लेके आया हूँ आपके लिए, जिसे करने से आपके बुध ग्रह बहुत ही सुंदर अच्छा फल आपको देंगे। छोटा सा उपाय है, इस उपाय में आपके मैं कई सारे ग्रह ठीक कर जाऊंगा, लेकिन आपने मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, समझना है। बुध ग्रह क्या है? बुध ग्रह हरे रंग के होते हैं, ये सबको ही पता होगा। बुध ग्रह हमारे लिए बहुत ज़रूरी ग्रह है। अगर बुध बुद्धि है तो बुद्धि से ही हम चलते हैं, बुद्धि से ही हम समझते हैं, हमारी बुद्धि ही हमें पढ़ने में सहयोग देती है, समझने में सहयोग देती है, हमारी बुद्धि ही हमें समझाती है ये अच्छा है ये बुरा है, ये भला है ये बुरा है, हमारी बुद्धि से ही हम कैलकुलेशंस करते हैं, याददाश्त भी हमारी बुद्धि है ना? अगर हमारी बुद्धि हमारा साथ ना दे तो हम पढ़ भी ना पाए, समझ भी ना पाए, व्यापार भी ना कर पाए, पैसा भी ना कमा पाए, हम लोगों को अनाप शनाप बोल जाएं। बुध वाणी है, कहते हैं जबान से आप किसी का दिल जीत भी सकते हैं और अपने हजारों दुश्मन बना भी सकते हैं। अगर बुध खराब होगा तो आप गंदी गंदी गालियां देंगे, उल्टी सीधी बातें बोलने लग जाएंगे, कड़वी बातें बोलने लग जाएंगे, बिना सोचे समझे बातें बोलने लग जाएंगे। बुध अच्छा होगा, आप सोच समझ के अच्छी तरह से बात करेंगे, अब शब्द नहीं निकालेंगे, है ना, गालियां बिल्कुल नहीं निकालेंगे। कई लोग आपने देखा होगा बीच बीच में सेंटेंसों के बीच बीच में अब शब्द बोल देते हैं या गुस्से में बहुत गलत बोल जाते हैं, दुश्मन बना लेते हैं अपनी वाणी से। आपने लोगों में देखा होगा अटक अटक के बात करना या हकलापन, वाणी दोष, तो ये भी बुध से होता है। हमारा व्यापार, हमारा बिजनेस क्या होता है, हमारी नौकरी, ये सब बुध की मलकियत है। बुध अच्छा होगा, आप पढ़ेंगे लिखेंगे अच्छी नौकरी प्राप्त करेंगे। बुध अच्छा होगा तो बिना पढ़े लिखे भी आप करोड़पति होंगे, है बात सही कि नहीं? तो बुध बुद्धि, बुद्धि का अच्छा होना बहुत जरूरी है। बुध हमारी नसें, हमारी जो नसें होती हैं वो बुध की मलकियत होती हैं। अगर हमारी नसों में दिक्कत आ जाए, अमन आपने देखा है ये बात कि ज़्यादातर लोगों की नसों में बड़ी समस्या रहती है एक उम्र के बाद, कईयों को छोटी उम्र में ही, कईयों को बड़ी उम्र में। दिमागी रूप से बच्चे का अविकसित रह जाना बुध, नसों में दिक्कत है ना। कई बच्चे जो होते हैं दिमागी रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं, दिमाग उनके कम रह जाते हैं, तो वो भी नसों की दिक्कत। तो बुध को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुध जो है, बुध देव जो है, वो नपुंसक ग्रह हैं। बुध को थाली का बैंगन भी कहा गया है। जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, अगर ग्रह पावरफुल है उसकी तरह ही अपनी तासीर कर लेते हैं। ये भी एक बड़ी अजीब सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो लाल किताब के नॉलेज वाले हैं वो इन बातों को समझ पा रहे होंगे। बुध कन्या है और आपने देखा होगा कन्या जो होती हैं वो कितनी जल्दी, कितने दिमाग से हर जगह पे अपने आप को संतुलित कर लेती हैं, ढाल लेती हैं। और थाली का बैंगन क्यों कहा गया है और बुध को बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों कहा गया है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर कन्या, अगर बेटी, अगर बहन या पत्नी कोई भी अगर घर से भाग जाए तो हमारी मान इज्जत प्रतिष्ठा, बहन और बेटी अगर ये काम कर दे तो क्या होगा, मान इज्जत प्रतिष्ठा बिल्कुल जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है कि नहीं है बताइए। इस बुध को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और बुध को ठीक करते करते दो चार ग्रह और ठीक हो जाए तो कितना मजा आए। आपने क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है, तांबे का लोटा। अब मैं इसको भी आपको आराम से समझाऊंगा कि तांबे का लोटा है क्या। तांबे का लोटा
जो अवश्य ही और अवश्य ही तांबा, सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य प्रकाश है, सूर्य बुध का मित्र है भाई। और जैसे ही सूर्य और बुध मिलते हैं, बुध आदित्य योग बना देते हैं। और जिनकी पत्रिकाओं में बुध आदित्य योग होता है, सूर्य बुध का मिलन होता है, बुध भी प्रकाशमयी हो जाता है। क्योंकि सूर्य क्या है? प्रकाश है। सूर्य की वजह से ही इस पृथ्वी पे जीवन है, सूर्य की वजह से ही हम जी रहे हैं। सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य शक्ति है, सूर्य एनर्जी है। अब लोटे में तांबा, तांबा सूर्य, और लोटा क्या हो गया? गोल। गोल बुध है, और अगर वो खोखला है तो वो पक्का बुध है। अब लोटा क्या है? गोल और खाली, खोखला, तो पक्का बुध है। तो सूर्य बुध, सूर्य तांबा, गोल और खाली, पक्का बुध, दोनों सूर्य बुध मिल गए। अब इस लोटे को आपने क्या करना है? मंदिर लेके जाना है। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, लोटा थोड़ा अच्छा ले लीजिएगा। इन्हें इतने छोटे 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 से लोटे या लोटियां लेके आप मंदिर चले जाएं, है ना, थोड़ा अच्छा जिसमें जल आ जाए। आपने मंदिर में रख के आना है, लोग उसमें जल भरेंगे, शिवलिंग पे रख के आना है, लोग उसमें जल भरेंगे और शिवलिंग पे चढ़ाएंगे, तो क्या होगा? जल क्या है? चंद्रमा। शिवलिंग क्या है? चंद्रमा। शिवलिंग को भी चंद्रमा ही माना गया है, वैसे वो शिव का रूप है। तो शिवजी प्रभु भी, भोलेनाथ, भोले भंडारी, महाकाल, महाकालेश्वर भी खुश, चंद्रमा भी शुभ, और सूर्य बुध भी शुभ। छोटा सा उपाय है मात्र। कमेंट्स में जरूर लिखिएगा आपको वीडियोस कैसे लगते हैं, आपको समझ आता है नहीं आता, कृपा करके कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं सिर्फ इतना सा चाहता हूँ कि आप लोग ज्ञान भी प्राप्त करें, सीखें भी, और उपाय भी करें, लोगों को बताएं भी, उनका भी भला करें, आपका भी भला हो। क्योंकि ये जो चेन है, अब आप लोटा जो है रख के आएंगे तो ये एक चेन बन जाएगी। जैसे कई प्रोफेशन भी बीच में आए थे कि आपने गद्दा खरीदना है, बेचना है, फिर वो उसको बेचेगा, वो उसको बेचेगा, हर आगे कड़ी के पैसे आप तक पहुंचेंगे। तो ये चेन वाला काम है, हर कोई जल चढ़ाएगा, फल आपको भी मिलेगा। तो ऐसे ही सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जुड़ा रहूँगा, आपको ज्ञान देता रहूँगा। राधे राधे।